का तो आंदोलन चलाना पड़ेगा, किसान को अगर जिंदा रहना। जिंदा 10 साल भी आंदोलन चलेगा तो ये चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे इसमें झंडा तो लगा दो एक पंडित जी। लगा जी, लगा उस साइड लगा। अरे हाथ नीचे करो, ऊपर लगाओ, ऊपर लगाओ। एक लेकिन बीजेपी के लोग कहेंगे के फ्लॉप हुआ हमने आंदोलन रास्ते हमने वो नहीं करे, बिल्कुल सील नहीं करा रास्ता, रास्ते बंद करे। भारत बंद का आह्वान है, सील का आह्वान नहीं है। हमने बहुत छूट दे रखी है, जो बच्चे पढ़ने वाले थे वे जा रहे हैं, जो एम्बुलेंस है उनको छूट है, जो बीमार आदमी है उसको छूट है, लेकिन सब लोगों को छूट है। ठीक है, अरे किसी को निकलना भी करना पड़ेगा, सिंगों को चले भी जाए क्या, हमने बिल्कुल सील बंदी लिफाफा थोड़ा है, योगा खुलेगा ही नहीं। दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। पहली बार हड़का कर दिया था, कहने लगे फ्लॉप हो गया। इनसे बीजेपी वालों से पूछो है ना, ना मीडिया, अरे कुछ मीडिया तो ठीक है, कुछ एक आदमी गड़बड़ है। अच्छा टिकैत साहब सुबह से कहाँ थे आप? हाँ समर्थन कर रही भाई, सारी पार्टी समर्थन कर रही, उनका धन्यवाद है जो पार्टी समर्थन कर रही, धन्यवाद है। क्या लगता है आपको यूपी चुनाव? जब कृषि मंत्री कह रहे हैं आंदोलन से जब जब बातचीत में करेंगे तो हम बात करेंगे उनसे। तैयार है, बुला रहे हैं आप लोगों को बातचीत के लिए? आंदोलन से कुछ नहीं होगा बातचीत। अमेरिका में पहली बार प्रधानमंत्री जी गए थे तो लोग उसे मिले थे, यहाँ के लोग उसे, अब लोग मिलना चाहते तो वे मिलना नहीं चाहते। अब मिलना चाहिए ना प्रधानमंत्री जी को, मिलना चाहिए। जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं, हेडमास्टर ने ना तो भाई भाई हमने कोई गलत बताओ तो बताओ भाई है वो। लेकिन आप ही प्रिंसिपल है, है? बीजेपी का देखो, बीजेपी का ही चाचा जान है, बीजेपी की है प्रिंसिपल। चाचा जान कौन है? किसान सम्मेलन किए जिसमें उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को कल भी देखो, गन्ना किसान का मामला था ये कि उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि गन्ना किसानों को 375 रुपए देंगे, वो 5 साल पहले 375 देने थे घोषणा पत्र के हिसाब से, उसका जो बैलेंस है 50 रुपए का एक तो वो दे दे, उस पर जो ब्याज बैठता है वो दे दे, हमारा गन्ने का भुगतान करते हैं, और जो आज के हिसाब से 5 साल की महंगाई के हिसाब से रेट बैठता है 450 रुपया वो दे दे।